हेलो एवरीवन, मैं रचना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल रचना पलक चैनल में। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आई हूँ नहा के और मैं कर रही हूँ हेयर ड्राई। तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने हेयर ड्राई का थोड़ा सा वीडियो बनाया। अलग से वीडियो तो नहीं बनाया है बट इसी में ऐड कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों की दो तीन रिक्वेस्ट को पूरा करने वाली हूँ। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना वीडियो को। तो और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है। सो यहाँ पर मैंने कर लिए हैं हेयर ड्राई और आप लोगों का कमेंट था कि हेयर ड्राई का वीडियो बनाइए। तो मैंने दो तीन वीडियो अपलोड किए हुए हैं हेयर ड्राई के, इसलिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। तीन चार वीडियो अपलोड हैं, मुझे इतना अच्छे से ध्यान तो नहीं है कि कितने हैं बट हाँ तीन चार वीडियो अपलोड हैं हेयर ड्राई के। सो आप लोग देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा वीडियो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पर मैंने हेयर ड्राई कर लिए हैं और इसके बाद में अब यहाँ पर कपड़े रखे थे तो कपड़े मैंने पहले ही धुल लिए थे तो बस सूखने डालना है। थोड़े से पानी, साफ पानी में इसे धो के और सूखने डालना है। तो एक बार मैंने धुल लिए हैं और एक बार और अच्छे पानी में साफ करके बस सूखने के लिए डाल दूँगी। तो जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है बोलना, है ना, तो कोई बात नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैंने देखो साड़ी को कैसे ऊपर करके मतलब ऊपर करके साड़ी कपड़े धुल रही हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप जैसे काम करते हो और बीच में साड़ी नहीं आए इसलिए वो ऊपर साड़ी करके वीडियो बनाई है। तो मैंने देख लीजिए साड़ी को ऊपर किया हुआ है एंड इसके बाद में यहाँ पर मैं कपड़े धुल रही हूँ। सो ये तो एक रिक्वेस्ट मैंने दूसरी रिक्वेस्ट कर दी पूरी, तो दो रिक्वेस्ट को मैंने पूरा किया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट को मैं पूरा कर रही हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दो ना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, कैसे मैं गिड़गिड़ा के लाइक मांग रही हूँ कोई नहीं चलता है, है ना। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं और ये बना रही हूँ मैं कड़ी। तो मैंने खाना बना लिया था नहाने से पहले और रिकॉर्डिंग कर ली थी तो मैंने क्लिप लगा दी है। तो ये लिया है मैंने छाछ, उसमें डाल दिया है बेसन, इसका बना लेंगे घोल। और मैं खाना ना पहले ही बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहा के ही बनाती हूँ खाना। यहाँ पर रहती हूँ तो मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि सुबह से बाबू ड्यूटी जाते हैं ना तो उनको 7 बजे जाना होता है। तो इतने जल्दी नहा के सब काम करके खाना नहीं बना सकती हूँ, सबसे पहले खाना ही बनाती हूँ मैं, इसके बाद में सारे काम करती हूँ। तो मैंने घोल बना लिया है बेसन और छाछ का मठा का, आप लोग क्या बोलते हो आप लोग कमेंट करके बताना। एंड इसके बाद में डाल दिया है मैंने ऑयल। इतनी बड़ी भगोनी भर के कड़ी बनाई थी मैं, क्या बताऊँ सच में इतनी सारी बन गई थी कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी। दो बार खा ली, मतलब दोनों टाइम खाई सुबह शाम, बट ख़त्म नहीं हो रही थी इतनी सारी बना ली थी मैंने। तो क्या हुआ ना, छाछ था ना जो खट्टा था इसकी वजह से मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो वो ज़्यादा बन गई कड़ी, कोई नहीं चलता है। इसमें ले लिए है मैंने हाथ में थोड़ी सी मेथी के दाने और थोड़े से जीरा एंड ऑयल गरम हो गया है तो मैंने डाल दिया है, वो अच्छे से भुन जाएगा, चटक जाएगा जीरा और मेथी। तो इसके बाद में ये जो घोल बनाया है मैंने ये डाल दिया है। तो कड़ी का, कड़ी सबको बनानी आती है बट मैंने बनाई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो ये डाल दिया है पानी और इतनी ज़्यादा खट्टी की मतलब खुशबू आ रही थी ना कि खट्टी है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया और अभी देखना कितनी सारी बना ली है मैंने कड़ी। एंड इसके बाद में डाल दी है हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और बस इसको अब चलाते जाएंगे, अच्छे से पकाना है नहीं तो फिर अगर कड़ी अच्छे से नहीं पकेगी ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए मैंने इतनी कड़ी बना ली है और अभी बनाई नहीं है, अभी तो बस पक रही है। तब तक मैं यहाँ पर चावल भी साफ कर लूँगी और साथ साथ में सारे काम करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर अगर एक काम को करो ना और दूसरे को सोचोगे अभी बाद में कर लेंगे तो पूरे काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कड़ी का छौंक लगा दिया है, बस अब कड़ी पकती रहेगी तब तक चावल साफ कर लेंगे। और ये देखिए कड़ी अभी पक ही रही है और एक साइड मैंने रख दिए हैं कुकर में चावल, तो चावल भी बन जाएंगे कड़ी भी बन जाएगी। और तब तक मैं बेसन का थोड़ा सा घोल बना लूँगी पकौड़ी बनाने के लिए।
तो ये देखिए बन रही है पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। और मैं ना कढ़ी में बहुत सारी पकौड़ी डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी पकौड़ी रहती है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कढ़ी, और जब बहुत सारी रहती हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी किसी को पकौड़ी नहीं अच्छी लगती कढ़ी वाली, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो पकौड़ी है ना ऐसी ही खाओ तो और अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने पकौड़ी बना दी है, सब कढ़ी में डाल भी दी हैं। और यहाँ पर ये बना रही हूँ मैं गिलकी के भजिया, क्योंकि बाबू को गिलकी के भजिया बहुत पसंद हैं, तो बोलने लगे गिलकी रखी है थोड़े से भजिया बना दो। मैंने कहा ठीक है, अभी खाना खाने में तो टाइम लगेगा, तब तक मैं आप लोगों भैयू को पलक को और बाबू को मैं यहाँ पे भजिया बना देती हूँ। तो ये बन रहे हैं लौकी के नहीं सॉरी गिलकी के भजिया। और आप लोगों को किस किस को पसंद है गिलकी के भजिया आप लोग कमेंट करके बताना, अगर पसंद हो सो लाइक करना, पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं गिलकी के भजिया, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगते बट बाबू को लगते हैं तो मैंने बना दिए। मुझे वो वाले भजिया अच्छी लगते हैं, पकौड़ी जो कढ़ी में डालते हैं ना छोटी छोटी वो अच्छी लगती हैं, बाबू को ये वाले अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, और इसके बाद में अब इनको पलटना है जैसे भजिया बनाते हैं ना वैसे ही बनाने हैं, कोई अलग से नहीं बनाना होता है। इसमें मैंने डाला है नमक और थोड़ी सी धनिया पत्ती, और गिलकी को छील के छोटे छोटे गोल काट के वो डाली है, गोल काटी हुई है गिलकी तो वो डाल दी है। बस इनको अच्छे से तल लेना है एंड इसके बाद में निकाल लेना है। तो ये देखिए भजिया बन के रेडी हो गए। सो आप लोग भी आ जाइए, मैं तो नहीं खाऊंगी, बाबू खाएंगे, भैयू खाएगा और पलक खाएगी। सो आप लोग भी आ जाइए साथ में। पकौड़ी बन के रेडी हो गई हैं, और यहाँ पर मैं उसी ऑयल में एक तड़का और लगा देती हूँ कढ़ी का। तो इसमें मैंने डाली है 4-5 लाल मिर्च खड़ी वाली, और इसके बाद में थोड़ी सी हींग डाली है। तो जब भी अच्छी से भुन गई है हींग सॉरी मिर्ची अच्छे से भुन गई है, फिर हींग भी डाली है उसमें। तो इसके बाद में जो कढ़ी है ना मैं उसको डाल दूंगी, तो ये हींग वाला तड़का थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं इसको बाद में लगाती हूँ। एक बार पहले लगा देती हूँ और एक बार बाद में लगाती हूँ। तो देखिए ये तरीका अच्छा है ना, पहले उसी में ऑयल में डाल दो, फिर इसके बाद थोड़ी सी कढ़ी डालो और फिर उसी कढ़ाई को उठा के उसी में पलट दो, कितना अच्छा है ना। और तड़का पैन नहीं है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी भी बना ली, और ये देखिए भैयू कैसे सो रहे हैं। ऐसे भी कोई सोता है क्या? ये देखो जहाँ भी जगह मिल जाती वहीं सो जाते हैं, ये बोरी पे सो रहे हैं गेहूं की। तो मैंने थोड़ी सी बना ली थी क्लिप, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा देखो ये कैसे सो गया है। तो आप लोग बताना कैसे लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग फैमिली, और रात में मैंने वीडियो का एंड नहीं किया इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अभी उठी हूँ जस्ट सो के उड़े, देखो कुछ भी नहीं पहना हुआ है मैंने ऐसे। तो चलो फिर करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।